subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. कामगार नेते महेंद्र घरत यांची नाळ कायमच कामगार वर्गाशी जोडली गेलेली आहे. कोरोनाच्या लॉकडाऊनमुळे नाका कामगार, बांधकाम कामगार यांच्या उदरनिर्वाहाचं साधन बंद झालेलं आहे. या सर्व कामगारांना जिथून मागणी असेल तिथून यमुना सामाजिक शैक्षणिक संस्थेचे अध्यक्ष महेंद्र घरत यांच्या माध्यमातून सातत्याने धान्य वाटप करण्यात येत आहे. आजपर्यंत त्यांनी मागणी येईल त्याप्रमाणे उरण, पनवेल, श्रीवर्धन, उल्वे, रांजणपाड्यातील गरजू बांधवांना स्वखर्चाने मदत केलेली आहे. ये जो लॉकडाउन जाहिर किया प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन लेबर है, मोस्टली जो लेबर बाहर गांव से आए हुए हैं, जैसे ये अपने पश्चिम महाराष्ट्र के हैं, नांदेड़ के हैं, वो अटके हुए हैं. ये न यहाँ से इनके पास कोई व्हीकल है, न जाके कुछ ले सकते हैं, और जाएंगे तो पुलिस एंट्रेंस पनवेल में नहीं दे रहे. तो जिनको जिनको दिक्कत है, कल जैसे झारखंड के लोग अटके हुए थे खोपोली में, तो वहाँ उनको हम लोग अनाज पहुँचा दिया. हमारे श्री जो है पुलवा में 1,000-1,500 लोगों को रोज का खाना बना के दे रहे हैं. तो हम लोग अपनी ओर से कर रहे हैं, जैसे श्रीवर्धन हो, मसला हो, जहाँ जहाँ से रिक्वायरमेंट आती है वहाँ के कार्यकर्ता को हम लोग एक्टिवेट कर चुके हैं. तलोजा में बहुत अच्छी तरह, तलोजा फेज 1 फेज 2 में जो भी लोग बाहर गाँव के हैं, माइग्रेंट लेबर हैं, उनको वहाँ अनाज पहुँचाने का काम हो रहा है. और हम लोग अपनी ओर से फाइनेंशियल उनको हेल्प कर रहे हैं, RTGS कर रहे हैं, जहाँ जहाँ भी जरूरत है फाइनेंशियली, उरन में हो, पनवेल में हो, अपने श्रीवर्धन, मसला, खोपोली, जहाँ भी रिक्वायरमेंट आते हैं हम लोग उनको मदद करने का कोशिश करते हैं. हमारा कहना यह है कि सडनली होने से लोग गांव भी नहीं जा सकते. ये लोग नांदेड़ जाना चाहते हैं, लेकिन अभी उनको पुलिस अलाव नहीं कर रही है, ना व्हीकल है, और ना वो अनाज के लिए यहाँ से बाहर निकल सकते. आवाज टुडे से रिपोर्ट, पनवेल. सब्सक्राइब टू आवाज टुडे, क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नेशनल एंड इंटरनेशनल बजिंग न्यूज़.